नमस्कार दोस्तों, ब्लैंक स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अल्फाबेटिक ऑर्डर के बारे में। अल्फाबेटिक ऑर्डर एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में काफी स्टूडेंट परेशान होते हैं, उनको काफी डिफिकल्ट लगता है। हम लोग अभी अल्फाबेटिक ऑर्डर देखेंगे, बाद में पहले हम लोग उसका अपोजिट लेटर्स देख लेते हैं। आपको ऐसा ट्रिक बताने जा रहा हूं कि इसके बाद आपको कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम लोग बचपन में ए टू जेड तो पढ़े ही होंगे। ए टू जेड दैट मीन्स ए का अपोजिट जेड, उसके बाद है बी का अपोजिट वाई। हम लोग बहुत बार बाय बाय करते हैं ना दोस्तों को, वही है बी का अपोजिट वाई। दैट मीन्स बाय बाय हम लोग एक सिंपल टर्म में याद रख सकते हैं, बाय बाय। फिर है सी का अपोजिट एक्स। कॉपी जेरोक्स, आजकल हम लोग बहुत जेरोक्स करवाते हैं, कॉपी जेरोक्स। फिर है ड्रॉ। ड्रॉ इसका फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर अगर हम लोग याद रख पाएंगे तो हम लोग आराम से याद रख पाएंगे कि डी का ऑपोजिट डब्ल्यू होता है। आगे चलते हैं। अब देखिए एक फेमस वर्ड है लव, जिसमें हम लोग को दो ऑपोजिट लेटर्स मिल रहा है। यहां पर बी का ऑपोजिट ई दैट मीन्स ई का ऑपोजिट बी, आराम से याद रख पाएंगे। फिर है एफ का ऑपोजिट यू। हम लोग कहते हैं ना उफ बहुत गर्मी है, दैट मीन्स यू का ऑपोजिट एफ याद रख सकते हैं। फिर है जी का ऑपोजिट टी, जी टी रोड, जी टी रोड अगर हम लोग याद रख पाएंगे तो जी का ऑपोजिट टी आराम से याद रख पाएंगे। फिर है एस का ऑपोजिट एस, हम लोग सभी ने हाई स्कूल में पढ़ा है तो हम लोग अगर हाई स्पीड टर्म को याद रखें, हाई स्कूल टर्म को याद रखेंगे तब हम लोग हाई स्कूल जब भी प्रोनाउंसिएट करेंगे तो एच का ऑपोजिट एस हम लोग को ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा। फिर है आई का ऑपोजिट आर। हम लोगों में से काफी लोगों ने इंडियन रेलवे के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो आई का ऑपोजिट आर हम लोग याद रख पाएंगे इंडियन रेलवे टर्म को याद रखने से। फिर है जे का ऑपोजिट क्यू, वे फेमस बुक का नाम हम लोग याद रखेंगे। अगर जंगल क्वीन एक फेमस बुक है तब हम लोग आराम से याद रख पाएंगे कि जे का ऑपोजिट क्यू होता है। फिर है के का ऑपोजिट पी। पी के मूवी तो हम लोगों ने देखा ही है, आमिर खान वाला जो दूसरे गोले से आते हैं हमारे यहाँ, तब अगर हम लोग पी के मूवी को याद रखेंगे तो के का ऑपोजिट पी और पी का ऑपोजिट के आराम से याद रख पाएंगे। फिर है एल का ऑपोजिट ओ। अभी अभी हमने कहा था लव, लव में एल का ऑपोजिट ओ दिख रहा था तो हम लोग यहाँ से एल का ऑपोजिट ओ भी याद रख सकते हैं और हमने पी का ऑपोजिट ई तो पहले याद रख लिया है। फिर है एम का ऑपोजिट एन। हम लोग के देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, अगर उनके नाम को याद रखेंगे तो ऑटोमेटिक हम लोग एम एन दैट मीन्स एम का ऑपोजिट एन और एन का ऑपोजिट एम। हम लोगों का यहाँ मकसद है सिर्फ और सिर्फ अल्फाबेटिक ऑर्डर को रिवर्स ऑर्डर और फ्रंट ऑर्डर से याद करना। यहाँ हम लोग सिर्फ मोदी जी का नाम इसीलिए लिए और हमारा कोई मकसद नहीं है। अब हम लोग आगे अल्फाबेटिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे, वीडियो में बने रहे, आगे देखते हैं। अब हम लोग अल्फाबेट नंबर के बारे में देखते हैं तो ए कितने नंबर पे आता है, सिंपल सवाल है। तो देखिए एक छोटा सा बच्चा को भी पता होगा कि ए एक नंबर पे आता है तो हम लोग आराम से एक लेते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ई तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए एक नंबर पे, बी दो नंबर पे, सी तीन नंबर पे, डी चार नंबर पर। अब यहां से हमारा ट्रिक शुरू होता है। देखिए एक आप लोग को सिंपल सा वर्ड याद रखना है, इजोटी, EJOTY, इजोटी। ई 5 नंबर पे, जे 10 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, टी 20 नंबर पर और वाई 25 नंबर पर। ये सिंपल सा याद रखिए, बाकी सब ठीक है। अब देखिए हमारा आया ई 5 नंबर पे तो हम लोग यहाँ 5 लिख दिए। अब है एफ। एफ को कैसे याद रखेंगे तो एफ देखिए ये इस तरह दिख रहा है, तो अगर हमने इसको थोड़ा सा एडिट करके ऐसे इसको बना दिया, ये देखिए ऐसा दिख रहा है क्या, ऐसा ये 6 की तरह दिख रहा है, 6 की तरह दिख रहा है तो हम लोग इसको 6 नंबर लिख सकते हैं, मतलब एफ 6 नंबर पे है। फिर है जी। जी अगर जी को थोड़ा मॉडिफाई करके हम लोग लिखें इस तरह लिख पाएंगे तो देखिए यहां पर आप लोगों को 7 दिख रहा है तो हम लोग आराम से याद रख सकते हैं कि जी 7 नंबर पे होता है। फिर
फिर आया एच। एच को कैसे याद रखें कि वो कितने नंबर पर होता है? एच 8 नंबर पर होता है, सिंपल सा। देखिए एच बनाए और इसके ऊपर और नीचे वाले मुंह को ज्वाइंट कर दिए। ये देखिए हमारा एट की तरह दिख रहा है, हम लोगों को आसानी से याद रह जाएगा कि एट 8 नंबर पे होता है। फिर आया आई। आई अगर हम लोग इसको कर्सिव में लिखेंगे तो हमारा ऑलरेडी 9 बन गया। देखिए 9, तो आई 9 नंबर पे होगा। अब है जे, इजोटी में जे 10 नंबर पे आता है, तो हम लोग आराम से लिख पा रहे हैं जे 10। अब है के, हम लोगों ने आईपीएल तो देखा ही होगा, किंग्स 11 पंजाब नाम तो सुना ही है। के हम लोग आराम से लिखिए किंग्स 11 पंजाब। तो के से हम लोग को याद रहेगा किंग्स 11 पंजाब, दैट मीन्स के इज ऑन 11। उसके बाद है एल। एल हम लोग लंच वक्त करते हैं, 12 बजे करते हैं लंच, 12 o'clock पे करते, 12 o'clock पे। तो हम लोग लंच, डेट मीन्स एल को 12 नंबर पे याद रख पाएंगे। फिर है एम। एम को हम लोग अगर देखें कि इस तरह दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा इस तरह, ये देखिए 3 की तरह दिख रहा है। तो हम लोग देख पाते हैं कि अल्फाबेट में 26 लेटर होता है, ये कहीं बीच में आता है और ये 3 की तरह दिख रहा है, मतलब ये 13 नंबर पे होगा। 13 लिख दिया हमने। अब एन अगर हम लोग उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो इस तरफ 4 की तरह दिख रहा है, दिख रहा है ना रोमन में 4 की तरह, डेट मीन्स ये 14 नंबर पे आएगा क्योंकि ये कहीं बीच में आता है। फिर आता है ओ। देखिए 15 पे है, डेट मीन्स ओ इज 15। ठीक है। फिर है पी। पी को देखिए सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे जहां ऐसा किए थे। पी भी हमारा ऐसा 6 की तरह दिख रहा है और ये कहीं ना कहीं बीच में आता है, दैट मीन्स 16। अब है क्यू। क्यू देखिए क्यू को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो ऐसा कर पाएंगे, हम लोगों को यहाँ पे 7 दिख रहा है, मतलब ये 17 नंबर पे है। ठीक है। फिर है आर। हम लोग को वोट देने का राइट कब होता है? जब हम लोग 18 ईयर्स के हो जाते हैं तब, दैट मीन्स राइट टू वोट, राइट टू वोट 18 18। आज जो है 18 नंबर पे है। फिर है एस। एस का अगर हम लोग प्रोनाउंसिएट करेंगे तो थोड़ा थोड़ा 19 की तरह लग रहा है, 19 19 19, एस एस 19 19, एस, दैट मीन्स एक दो बार बोलने से हम लोग आराम से याद रख पाएंगे कि एस जो है 19 नंबर पे है, 19। अब देखिए टी। T20 मैच तो हम लोगों ने देखा ही होगा, तब हम लोग क्या याद रख पाएंगे? T20 मैच तो हम लोगों ने देखा ही है, तो T20 याद रख पाएंगे। फिर यू। यू मतलब यूथ, जो जो 21 साल के हैं उन लोग यूथ होते हैं, तो हम लोग इनको यूथ मतलब यू 21 ऐसे याद रख सकते हैं, यूथ 21 नंबर पे। 21 के बाद है भी मतलब 22। फिर ये देखिए थोड़ा थोड़ा 3 की तरह दिख रहा है, दिख रहा है ना 3 की तरह, और ये कहीं लास्ट में आता है डब्लू, मतलब ये 23 पे होगा। अब एक्स 23 के बाद है, दैट मीन्स 24 पे होगा। अब है वाई। वाई इजोटी में 25 पर है, 25। और जेड लास्ट में, दैट मीन्स 26। अब हम लोग किसी भी अल्फाबेटिक ऑर्डर को आगे से और पीछे से दोनों से जान सकते हैं, कोई भी एक अल्फाबेटिक ऑर्डर रेंडमली उठा लेते हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम कोई पी ले लिए, पी एक कोई अल्फाबेट है, इसका ऑपोजिट क्या होगा और वो आगे से कितने नंबर पे और पीछे से कितने नंबर पे वो पता करना है। तो पी, पी का ऑपोजिट तो के होता है, ये हम लोगों ने जान के रखा है। पी देखिए आगे से 16 नंबर पे होगा, अभी अभी हम लोगों ने ट्रिक देखा था, पी का ऑपोजिट कहाँ गया? हाँ पी 16 नंबर। अगर वो 16 पर आगे से है तो पीछे से कितने नंबर पे होगा? तो पीछे से निकालने के लिए हम लोगों को कुछ नहीं करना, पी का ऑपोजिट क्या है? के।
केक कितने नंबर पर होता है? अभी अभी हमने बताया था किंग्स इलेवन पंजाब, डेट मीन्स 11 नंबर पर, तो 11 लिख पाएंगे, मतलब पी आगे से 16 नंबर पर है और पीछे से 11 नंबर पर है। और ऐसा अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो आप एक तरफ से ऑर्डर याद रखिए और 27 से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सेम ऑर्डर आएगा। जैसे आगे से हम लोगों ने इसे याद रखा पी 16 नंबर पे है तो पीछे से कितना नंबर पे होगा, तो 26 में से प्लस 1 करेंगे ऐड, फिर 16 माइनस कर देंगे, दैट मींस 11 नंबर पर। इसका मतलब यही हुआ कि 27 में से 16 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा, ठीक है। और आगे हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं नए नए ट्रिक्स जानने के लिए, थैंक यू, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।